गाइस मैं घर आ गई हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये है पतो, आज बना रही है कुछ स्पेशल बन रहा है गाइस। गेस करो पहला। लुक व्हाट आई फाउंड। बट आई एम बैक होम। सी आई कैन डू दिस, कैन यू? मतलब कि दून। गाइस मैं घर आ गई हूँ और घर आते ही मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रहे हैं हम? विहान के नानी के घर। हमको खाना खाने बुलाया गया, देख रहे हो? आते खाना खाने बुला दिया। और बारिश हो रही है भाई कंटिन्यूसली। ये देखो कितना छोटा दो फ्लावर लगाए हैं यहाँ पे, बेवड़े। और ये पता है मुझसे भी बड़ा पेड़ है ये। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत पुराना पेड़ है ये, उसका बेलपत्रे का पेड़ है। ये है हमारा गाँव। तो ये छोटा सा गाँव फॉग लगाया आज। हमारी गाड़ी में भी झंडा लहरा रहा है गाइस। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। और कुछ नहीं, बस एक छोटा झंडा और एक बड़ा झंडा लेके जा रहे हैं घर में। वंदे मातरम गाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। मुझे इससे आज़ादी चाहिए, इससे। वाह भाई, फूल काटने वाले उससे काट रही हूँ। सल्यूट कर दो। ओवर एक्टिंग गाइस, ओवर एक्टिंग। तूफान, मुझे लगता है बारिश होने वाली है, लगता है बर्फ पड़ने वाली है। देखिए ये बनाया है क्या है ये पता, कुछ कमेंट सेक्शन में बताना। ये है पतोड़, पता ही होगा आधे लोगों को, तो पहाड़ियों को तो पता ही होगा, और वैसे भी पता ही होता है, यूपी वाले भी खाते हैं भाई, सब कुछ सब खाते हैं। और जो नहीं खाता ना, प्लीज़ खा लो, थोड़ा दुनियादारी के बारे में पता चलेगा, टेस्ट के बारे में पता चलेगा कुछ नया। और मैं, मम्मी मुझे काम कराती रहती है ना, तो मैं अब रोटी बनाऊँगी। वो क्या है ना, मैं छोटी बच्ची हूँ ना, छोटी हूँ ना मैं घर में, इसलिए मुझे काम कराते ज़्यादा, कर लेती हूँ मैं खुशी खुशी यार, मैं मना नहीं करती। इसे बोलते हैं गोरखा चटनी। और ये आलू, मतलब आलू अनियन सो ऑन चीजों से बनता है ये। Delicious. I mean, out of this world. And second thing she's making is, क्या बोलते हैं, सेल रोटी। सेल रोटी हमारे सेल रोटी, गोरखा चटनी और मासू। मासू मतलब नॉनवेज। तो इन तीन का कॉम्बिनेशन ये मतलब हमारा वो है ट्रेडिशनल, नेपाली ट्रेडिशनल डिश। तो अभी मम्मी बनाएगी। और ये बैटर है राइस फ्लावर और कसली बनते हैं बताइए मम्मी, कैसे बनता है, क्या क्या मिला रखा है इसमें? मम्मी तो शेफ है भाई। मम्मी नए नए बना रही है अभी स्टार्ट। ओ हाँ, मम्मी अभी अभी बनाना सीखा है वैसे। मम्मी ने अभी भी बनाना सीखा, तीन बार बना चुकी है मम्मी। बट ये वाला स्पेशली मेरे लिए बन रहा है। बन भी तो इतना सारा रहा है हमारे घर में, तो बनता भी थोड़ा भी इतना ज्यादा बनता है ना। दुरानी आ गई है, दुरानी स्कूल से आ गई। अच्छा ओवन चाहिए, वो लाई है, राइस केक चाहिए, राइस केक बनाना के लिए। 300 गए एडिंग सॉस। ये रेडी हो गया है, चल
चीज पाउडर, झूठा कर रही हूँ, मम्मी को पता नहीं है ये मेड इसमें लगा के चटनी में। दीदी देने जा रही है मम्मी को, रख दो रख दो। वो भी बहुत एक्टिंग करती है यार, मम्मी हीरोइन बनेगी बड़ी होकर। मोबाइल रख भी दो। अच्छा, चिकन चटनी एंड सेल रोटी, लेट्स डिग इन एंड टेकिंग माय फर्स्ट बाइट। भाई ये खा के बहुत भयंकर नींद आ रही है। खाते खाते मेरा ना, जब मैं फोर्थ में पहुंची ना, मेरा खाते खाते तब खा के सीधा सोने वाली थी, लेकिन खा के सीधा सोते नहीं है, तो इसलिए 5-10 मिनट ऐसे ही बैठ गई। एंड नाउ आई नीड टू स्लीप बिकॉज आई एम रियली वेरी स्लीपी राइट नाउ। तो I know, it's not good for health. 5:50, हाँ it's 5:50 और मैं उठ गई थी बड़ी मुश्किल से, नींद से उठ गई थी। और उसके बाद 4 to 5 क्लास हुई। उसके बाद look what I found, ये मेरा पुराना बैग है। इसमें से ये भी मुझे मामी ने गिफ्ट किया है, बड़ी मामी ने, मुझे याद है। ये देखो यार, oh my god, नॉर्मल फ्रेंड्स बांटते थे और ये वाले बेस्ट फ्रेंड्स बांटते थे। अक्षिता ने दिया होगा यार ये मुझे, अक्षिता ही देती थी। अक्षिता इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, इफ़ यू रिमेंबर दिस, हाई फाइव। तो ये मैं रखूँगी हमेशा, कितने साल, मतलब ये बहुत पुराना है यार, एक्सट्रीमली पुराने। तो मैं बाद में अपने भाई बहनों को दिखाऊँगी कि लुक हम ऐसे बनाया करते थे अपना फ्रेंडशिप डे। पूरा हाथ भरा रहता था और जिसके, और हम कितने कूल बनते थे ना ये करके कि भाई इसका हाथ, जिसके हाथ में सबसे ज़्यादा फ्रेंडशिप बैंड होता था वो तो भाई कूलेस्ट इन द होल स्कूल। तो और फिर मैम बोलती थी व्हाट इज़ दिस, रिमूव योर फ्रेंडशिप बैंड एंड ऑल दिस। उस टाइम निकालते थे हम, फिर से बांधते। सो आई जस्ट हैड लंच, अभी मैंने लंच किया और मम्मी बोल रही भाई तेरे को कोई बुला रहा है बाहर से। मैंने बोला कौन हो सकता है, मेरे चाहने वाला नाओ, वो तो मुझे डर के भाग जाते हैं, तो कौन हो सकता है। मैंने बोला हाँ जी, उन्होंने बोला मैम पार्सल आया है। मैं ओ पार्सल ऑफकोर्स, तो अमेजोन से पार्सल आया है, तो कौन हो सकता है। मैंने बोला हाँ जी, उन्होंने बोला मैम पार्सल आया है। मैं ओ पार्सल ऑफकोर्स, तो अमेजोन से पार्सल आया है। इतने बड़े डब्बे में तुम्हें इतना मिल जाए तो क्या लगता है क्या होगा। एनी गेसेस यार, ड्रम रोल, इट्स अ ट्राइपॉड, बिकॉज मैं हर बार अपना स्टैंड कहीं पे भी लगा देती हूँ किसी के पीछे। लाइक अभी मैंने विंडो में सेट किया है फ़ोन, तो मुझे ट्राइपॉड चाहिए था, देन आई थॉट आई शुड गेट वन, सो नाउ आई हैव वन, अ गोरिल्ला ट्राइपॉड, अ गोरिल्लो ट्राइपॉड। आई लाइक इट। सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, मम्मी हाय बोलो। Okay, now I'm shooting with my Gorilla tripod on and ठीक है यार, it's handy, like I don't know the stability कैसे है इसकी, I don't know, पता चलेगा कुछ समय बाद। स्टेबिलिटी यार, स्टेबिलिटी तो वैसी ही रहती है शायद। टू अनार, यार ये बड़े अच्छे अनार है। We are transferring this into this.
अबाउट वेयर आई डोंट नो इन लोग का स्पोर्ट्स होगा गाइस ये जीत के आ रहे हैं आज मैच होगा आर्मी में तो वो ट्रॉफी जीत के आ रखे हैं तो सॉफ्टी चीयर्स खाइए मैडम खाइए मेल्ट हो गया गाइस मुझे ये वाली सॉफ्टी पसंद है यार मैं जितना भी वो खा लूँ ना लेकिन मुझे ये वाली पसंद है ऐसी वाली वो मशीन से नहीं आता और इसमें फिर वो चॉकलेट उसमें डिप करके देते हैं ना इसमें नहीं दिया लेकिन आई लाइक इट फिर कुछ काम करने के बाद और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी और यहाँ पे मुझे मतलब कपड़े ख़रीदने थे और यहाँ पे वैसे बहुत अच्छे कलेक्शन है और ये मगड़ी चौक में ही है मुझे नाम नहीं पता बट यहाँ के कलेक्शन बहुत अच्छे हैं तो मैंने यहाँ से कुछ सामान लिया फिर हम राखी ख़रीदने गए क्योंकि राखी तो ख़रीदना ही था और And I'm very excited for Rakhi. And that's it for this vlog. See you in my next vlog. Till then, bye. Love, love.